हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने एक बर्तन रख दिया है बड़ा, और उसमें नमक डाल दिया है। हमने गैस फ्लेम ऑन कर ली है। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे कि हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये एक कटोरी रख दी है इसके अंदर, और अब हम इसको ढक देंगे। चलिए, इतने गर्म होता है इतना हम बैटर रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने देखिए एक बर्तन ले लेंगे हम। उसमें मैंने ये टाइगर क्रंच बिस्किट होते हैं, मैंने वो ले लिए हैं, ये 4 पैकेट। तो हम ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसे तोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसको तोड़ लीजिए। ये देखिए, अब ये मैंने सारे बिस्किट तोड़ लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, मैंने ये दूध लिया है और ये हल्का सा गर्म है, और हम इसे डालेंगे। आप एक साथ मत डालिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करके हम इसे साथ साथ मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें अभी आधा ग्लास दूध डाला है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। मिक्सर से आप इसको अच्छे से मिला दीजिए। देखिए, इस तरह का हमें इसका ये बैटर बनाना है। आप इसे अच्छे से मिलाते रहिए जब तक कि इसका एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। देखिए, इस टाइप का हमें इसका बैटर रेडी करना है। इसके बाद मैंने ये एक पाउच इनो का डाल लिया है। इसके ऊपर ही हम देखिए थोड़ा सा दूध डाल देंगे, 2 चम्मच, और अब हम इसे मिलाएंगे अच्छे से। इनो डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिलाइएगा, जिससे कि देखिए ये जो झाग आ रहे हैं ये सब हट जाएंगे जब आप इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो आप इसे अच्छे से इनो को इसमें मिक्स कर दीजिए। इसमें एक भी झाग नहीं होना चाहिए, तब तक आप इसे मिला दीजिए अच्छे से। जब तक कि ये एक चॉकलेट की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, अब ये रेडी हो गया हमारा बैटर। अब मैंने देखिए ये एक बर्तन ले लिया है, हम इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसे। मैंने देखिए इसमें कोई केक मोल के लिए कोई बर्तन ऐसा नहीं लिया है, ये मेरे घर में ही था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। देखिए, इसे अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे, और इसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और इसको अच्छे से फैला दीजिए मैदे को। इसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। अब देखिए, ये हम बैटर इस पर डाल देंगे केक का। इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए था। देखिए, दूसरी साइड ही हमने जो बर्तन रखा था इस पर ये गर्म हो गया है। इसके अंदर अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये केक बेक हो जाएगा। ढक दीजिए अब आप इसे। अब देखिए, हम एक बर्तन में ये मैंने ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं 2, हम इसको तोड़कर डाल लेंगे, और इसका जो वाइट पार्ट है वो हम अलग निकाल लेंगे।
देखिए इस तरह से ये हमने वाइट पार्ट अलग रख लिया है इसका। अब हम इसमें हल्का सा गरम किया था मैंने ये दूध, वो हम इसमें डालेंगे। इसको मिला दीजिए आप अच्छे से। देखिए आप हल्का सा गरम दूध डालेंगे तो ये बिस्किट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये क्रीम बन जाती है इसकी। इसको अच्छे से मिला लीजिए आप। अभी देखिए थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे, 1 से 2 चम्मच। मिला दीजिए इसको अच्छे से। इसका हमें एक चॉकलेट सिरप बनाना है तो आप अच्छे से इसे मिलाइएगा। ये देखिए इस तरह का। अब हम रख देते हैं इसको साइड। ये देखिए ये हमारा केक रेडी हो गया है। इसको मैंने 50 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। अब देखिए कितने अच्छे से केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर इस मोल्ड को उल्टा कर देंगे। देखिए तो ये इजीली बाहर आ जाएगा इसी तरह से। ये ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे हम। अब देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अब हम इस पर ये चॉकलेट सिरप डालेंगे। देखिए जो हमने अभी चॉकलेट बनाई थी वो डालेंगे हम इस पर। ये मैंने बिल्कुल इजी वे में बताया है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास डार्क कंपाउंड हो तो आप वो चॉकलेट भी ले सकते हैं, या आप इसे डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी इससे गार्निश कर सकते हैं आप इसको ऊपर से। आप किसी भी तरह इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं केक की, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए जो मैंने ये वाइट पार्ट लिया था मैं इसको इससे ही डेकोर कर रही हूँ। ये मेरे पास वाइट चॉकलेट रखी थी तो मैं इसको ही मेल्ट करके एक पॉली बैग में आप डालकर इससे ही मैंने, देखिए ये आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप चाहें तो वाइट वाली मिल्की बार होती है उसको आप मेल्ट करके उससे भी आप इसको लिख सकते हैं, इस पर आपको जो भी लिखना हो मेरे आज। और एक बात और, थैंक यू सो मच गाइस, आज आपकी वजह से मेरी एक वीडियो पर गुजराती लड्डू वाली उस पर मेरे 10K व्यूज़ कंप्लीट हुए थे। सो मैंने उसी की खुशी में आज ये केक बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।